बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। जाते वक्त एक कैपेसिटर है, उसे चार्ज किया किसी बैटरी से और फिर बैटरी रिमूव करके उसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। चूंकि बैटरी हम रिमूव कर चुके तो चार्ज ना कहीं से आ सकता है ना जा सकता है, तो कैपेसिटर पर चार्ज कॉन्स्टेंट रहेगा। डाइलेक्ट्रिक डालने से सी इंक्रीज हो गया और सी और वी का प्रोडक्ट चार्ज कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब सी इंक्रीज होने से वी कम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी बाई डी, डिस्टेंस सेम है, वी कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम हो गई। तो ई कम हो गया, वी कम हो गया, सी बढ़ गया, क्यू कॉन्स्टेंट है, एंड फाइनली रही एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे फार्मूले हैं, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई टू सी या हाफ क्यू वी, डिपेंड करता है आप कौन सा यूज करते हैं कि कौन सा कॉन्स्टेंट है। हाफ सी वी स्क्वायर में दिक्कत आएगी, मतलब दिक्कत का लिखना पड़ेगा, सी और वी दोनों चेंज हो रहे हैं। क्यू स्क्वायर बाई टू सी में क्यू कॉन्स्टेंट है, सी बढ़ रहा है इसलिए एनर्जी कम हो रही है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन था ये एनर्जी कहां गई। तो बच्चों उसका अभी तो मैं हल्का फुल्का सा जवाब दूंगा, डिटेल में हम और आगे पढ़ेंगे। जब हम डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट के अंदर डालते हैं तो हमें डालना नहीं पड़ता, कैपेसिटर उसे खींचता है अंदर। क्यों खींचता है इसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो वो जो डाइलेक्ट्रिक अंदर खींचता है, तो अंदर खींचने में अगर प्लेट और डाइलेक्ट्रिक के बीच में फ्रिक्शन नहीं है तो एकदम से अंदर जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। तो हमारे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है वो उस डाइलेक्ट्रिक की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब डाइलेक्ट्रिक पूरा अंदर पहुंचेगा ना बेटा, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी और वो दूसरी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा और ये ऑसिलेशन करेगा। क्या करेगा? ये आइडियल सिचुएशन है, प्रैक्टिकल थोड़ी ना है। प्रैक्टिकल तो हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कागज की तरह होता है। और अगर फ्रिक्शन हुआ प्लेट और डाइलेक्ट्रिक के बीच में तो ये सारी एनर्जी फ्रिक्शन में लॉस हो जाएगी, हीट लॉस, खत्म बात। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल। अगर हम डाइलेक्ट्रिक छोड़ भी दें तो वास्तव में फ्रिक्शन में ही खत्म हो जाएगी। चलो अगर हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो मैं आपको ये बता ही देता हूं कि कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक को अंदर खींचता क्यों है। ठीक है बेटा, देखो कोई भी प्लेट इनफाइनाइट लॉन्ग तो होती नहीं है। हम लोग ये तो बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके कि इनफाइनाइट का मतलब होता है कि प्लेट का एरिया उसके डी के सामने बहुत बड़ा है, ये डी बहुत छोटा है। और अगर हमारी ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है और नीचे वाली नेगेटिव है ये मान लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होता है। तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लेट्स के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन बेटा जहां पर भी प्लेट्स खत्म होती हैं वहां पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कर्व हो जाता है, इस तरह से होगा, 100% होगा। क्योंकि यहां पर पता है आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से बेटा प्योर, यहां पर तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है क्योंकि यहां पर कोई एलिमेंट लेते हैं तो उधर वाला एलिमेंट इधर वाले एलिमेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल कर देता है। लेकिन यहां पर उधर कोई चार्ज नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर्व हो जाता है, एंड इफेक्ट्स, दिस इज कॉल्ड फ्रिंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने कोई डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाला, मैं इधर से दिखा देता हूं, जैसे आपने थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक डाला, हल्का सा इसे अंदर डालकर छोड़ दो, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाएगा तो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपोजिट, भूल तो नहीं गए। इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक के अंदर मैंने बताया ना, जब एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो स्लैब के अंदर एक ईपीईपी डेवलप हो जाता है जो एक्सटर्नल के अपोजिट होता है। एक्सटर्नल नीचे है तो ये खुद ऊपर आएगा, ऊपर का मतलब ये प्लस और ये। तो बच्चों अब आप गौर से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो यहां माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, माइनस चार्ज पर फोर्स कहां लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो बच्चों इस माइनस पर फोर्स इधर लगेगा और यहां टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस जगह तो इधर आएगा, और पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में लगता है। बच्चों इन दोनों के जो कॉम्पोनेंट इधर आएंगे ये तो कैंसिल हो जाएंगे, नहीं, इन दोनों के ये वाले कॉम्पोनेंट एड हो जाएंगे और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर पुल करेंगे। तो मैंने सिर्फ अपन को इसमें बहुत डिटेल में जाना नहीं है, ना ही इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं एंड इफेक्ट्स की वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कर्व हो जाता है और उसके कर्व होने की वजह से जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटर उसे अंदर खींच लेता है और ये फोर्स हमेशा टुवार्ड्स इनसाइड लगेगा। जब ये डाइलेक्ट्रिक उधर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर खींचेगा। तो अगर फ्रिक्शनलेस प्लेट्स है तो ये ऑसिलेशन करेगा। हम इस फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं पर अभी रुक जाओ, अभी कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट फिर वैल्यू। तो बच्चों ये मैंने सिर्फ ये बताया कि कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक को अंदर पुल करता है, उस वजह से उसमें एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और वही ये काइनेटिक एनर्जी वही है जो उसकी क्यू स्क्वायर बाई टू सी में कमी होने की वजह से आई है। करेक्ट। एक डिस्कशन और बच्चों, अगर हम एक कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्टेड रखें और फिर उसमें डाइलेक्ट्रिक फिल करें तो वो जो फिजिकल क्वांटिटीज अभी हमने डिस्कस की थी उन पर अब जो इफेक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। अगर एक कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है और फिर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक धीरे धीरे इंसर्ट करें या एकदम से कर दें मान लो, तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद इसका कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन चूंकि यह बैटरी से कनेक्टेड है इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बैटरी के ईएमएफ के इक्वल रहेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स चेंज नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, वहां हुआ था, यहां चेंज नहीं होगा। लेकिन बेटा हम जानते हैं सोर्स लगा हुआ है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, C बढ़ गया V सेम है, इसका मतलब Q बढ़ गया और Q देने वाला सोर्स ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वो क्या होगा, बैटरी इसे और चार्ज दे देगी तो Q इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कांस्टेंट रहेंगे, C ऑलरेडी बढ़ ही चुका है। अब आ जाइए एनर्जी पर, हाफ सी वी स्क्वायर यूज कीजिए, V कांस्टेंट है, C बढ़ गया तो एनर्जी, मेरा फिर वही क्वेश्चन, ये एनर्जी कहां से आई। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, सोर्स लगा है भाई देने वाला, तो बच्चों ये एनर्जी बैटरी देगी, बल्कि बैटरी सिर्फ इसको एनर्जी नहीं देगी, वो जो डाइलेक्ट्रिक अंदर जाकर उस काइनेटिक एनर्जी लेने वाला है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी खुद की एनर्जी में जो इंक्रीजमेंट होगा दोनों का सम बैटरी देगी। बल्कि बैटरी जब करंट और देती है तो ये जो कनेक्टिंग वायर है ना इनमें भी कुछ हीट लॉस होता है, इसलिए वो बैटरी जो एनर्जी देती है वो बहुत ज्यादा होती है, उसमें से कुछ यहां हीट में जाएगा, कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी में जाएगा और बाकी कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये सर डिस्कशन हम करेंगे, थोड़ा सा वक्त और आने दो, ठीक है बेटा। एक काम करते हैं, ये सारे डिस्कशन हम लास्ट में करेंगे, एंड ऑफ द चैप्टर। एक अभी एक टॉपिक बचा हुआ है पहले हम, क्योंकि ये डिस्कशन किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल है, एक टॉपिक बचा हुआ है उसे हम कर लें, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यही आप हेडिंग लिख लें। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और इसमें भी पहले आप इसमें चार्जिंग लिखें, पहले आप लिखें चार्जिंग, बच्चों इसको पूरा आपको समझना है, इसलिए अभी आप बिल्कुल कॉपी करने की चिंता नहीं करेंगे, बस हेडिंग डालकर छोड़ देंगे। एक कैपेसिटर है बेटा सी, उसे एक बैटरी जिसका ईएमएफ वी है उससे कनेक्ट किया। कैपिटल आर इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट, जिसमें कनेक्टिंग वायर्स का रेसिस्टेंस, बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस, ये सब आ जाएंगे। तो बच्चों ये कैपिटल आर जो है ये सबका रेसिस्टेंस मिलाकर है, हमने एक साथ लिख दिया। मान लीजिए यहां पर कोई वो लगी है की जो अभी ओपन है तो कोई करंट नहीं जाएगा, जैसे ही मैं की प्रेस करूंगा बैटरी करंट देना शुरू करेगी चार्ज, और चार्ज वो कैपेसिटर पर डिपॉजिट होगा और इसमें करंट फ्लो होने की वजह से कुछ हीट लॉस, एनर्जी लॉस होगा। बच्चों
हम जानते हैं यार रेट ऑफ करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, शुरू में करंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इसको प्रेस तो कर चुका हूं मैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन दोनों के पोटेंशियल का सम बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा हमेशा, और V1 जो है वो क्यू बाई सी आएगा। जैसे जैसे कैपेसिटर पर चार्ज इंक्रीज होगा, क्योंकि बेटा यहां से जो प्लस जा रहा है वो जंप तो कर नहीं सकता, तो यहां डिपॉजिट होगा, यहां जितना प्लस डिपॉजिट होगा यहां उतना, तो कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ने से V1 बढ़ेगा, बेटा V1 बढ़ेगा तो V2 कम होगा, बहुत सिंपल लॉजिक है, किरचॉफ गलत नहीं हो सकता, V1 बढ़ेगा तो V2 इज इक्वल टू IR है मेरा बच्चा, अगर इसमें इंस्टेंटेनियस करंट I मान लूं तो V2 क्या है, इसका मतलब जैसे जैसे V2 कम हो रहा है वैसे वैसे सर्किट में करंट, यस ये कांस्टेंट करंट नहीं होता, शुरू में V1 जीरो है V2 मैक्सिमम है, V2 मैक्सिमम है तो करंट भी, जैसे जैसे करंट पर चार्ज बढ़ता है V1 बढ़ता है V2 कम होता है, V2 कम होता है तो करंट कम होता है, तो बच्चों करंट डिक्रीज होता है और कैपेसिटर पर चार्ज इंक्रीज होता है, इसीलिए इसे चार्जिंग बोलते हैं, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है लेकिन करंट कांस्टेंट नहीं है। फाइनली हम जानते हैं V1 इज इक्वल टू क्यू बाई सी, V1 V हो जाएगा जब ये फुली चार्ज हो जाएगा, V2 लगभग तो करंट भी लगभग, बच्चों थ्योरिटिकली करंट कभी जीरो नहीं होता, चाहे वो 10^-9 -10 एम्पियर के ऑर्डर का हो जाए, बट प्रैक्टिकली वो जीरो हो जाता है क्योंकि बहुत सारे रेसिस्टेंस की वजह से खत्म हो जाता है। तो बच्चों ये मैंने थ्योरी बताई, अब इसको कैलकुलेट करने की बारी, अभी भी आप लिखेंगे नहीं समझेंगे। बच्चों V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, V1 क्या है V2 क्या है, अब हम एक काम करते हैं IR को I लिखते हैं dQ/dt, क्योंकि हमें पता है रेट ऑफ फ्लो चार्ज जो है वो करंट होता है, और जिस रेट से चार्ज फ्लो करेगा उसी रेट से चार्ज डिपॉजिट होगा कैपेसिटर पर, तो I को dQ/dt लिखा और बेटा Q/C को इधर ले गया मैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब dQ/V - Q/C इंटीग्रेट करने का बेटा यही तरीका होता है, 1/R dt, देखो R को इसके नीचे ले आया, dt को इधर ले आया, इसको इधर ले गया और कर दिया इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा log V - Q/C / -1/C, बेटा -1/C से डिवाइड क्यों किया, इंटीग्रेशन है इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करते हैं, आपके तो बोलती बंद हो गई, लोग a - b इसका सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x की फॉर्म है, तो मेरा बच्चा ln a - bx तो होगा, फिर इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -b, उससे समझे वही किया है, इंटीग्रेशन आते ही तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। बेटा लिमिट बाकी है, शुरू में चार्ज तो लोअर लिमिट जीरो, और अभी हमें फंक्शन निकालना है तो t पर q ले रहा हूं, तो यहां जीरो से q आएगा, बच्चों लोग में है ना लोअर लिमिट जीरो होती है तो इसे इग्नोर मत करना, इंपॉर्टेंट होती है। देखो मैंने क्या किया, पहले q की जगह q पुट किया, फिर q की जगह, और ये -1/C को इधर ले गया, -t/RC आ गया, log a - log b log a / b होता है -t/RC। अब एंटी लॉग ले लो, V/V1 Q/CV, ये मैंने फ्रैक्शन कर दिए, और इसका बेस e होता है ना, e^(-t/). बस बेटा अब तो इसको उधर ट्रांसफर कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं लास्ट स्टेप यहीं लिख देता हूं, Q आएगा CV 1 - e^(-t/RC। बच्चों इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इक्वेशन वही सारे रिजल्ट्स दे रही है जो मैंने अभी आपको थ्योरिटिकली एक्सप्लेन किया था। कैसे, t = 0 पुट करेंगे, e^(-0, 1 होता है, 1 - 1 जीरो हो जाएगा और कैपेसिटर पर चार्ज जीरो आएगा जो हमने ऑलरेडी लिमिट में पुट किया है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा,
ई की पावर नेगेटिव है, नेगेटिव पावर बढ़ने का मतलब वो स्टेप कम होगा। तो बच्चों ये वाला स्टेप जैसे जैसे कम होगा और तो माइनस होने की वजह से क्यू, ये हम वैसे ही जानते क्यू बढ़ रहा है। जब टी इंफिनिटी हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम, ई रेस टू द पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो होता है, करेक्ट? तो सेकेंड स्टेप जीरो होते ही चार्ज कितना हो जाएगा, सीवी। वैसे भी हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके, फाइनल तो कैपेसिटर पर चार्ज क्यू इजिकल्स टू सीवी आना ही है। और जब ये सीवी हो जाएगा तो आई जीरो हो जाएगा, करेक्ट? लेकिन बच्चों मैंने बताया ये आएगा कब, इनफाइनाइट पर। बच्चों थ्योरेटिकली ये इनफाइनाइट पर आता है, बट प्रैक्टिकली ये पलक झपकते ही आ जाता है। मैंने कितना टाइम बोला, यानी कि मिली सेकेंड्स के अंदर ये सिचुएशन पहुंच जाती है जिसको मैं इनफाइनाइट बोल रहा हूं। और वो क्यों होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, एक बार आप इसे पूरा लिखो। अगर हम इस इक्वेशन से करंट भी निकालें तो बेटा करंट निकालने के दो तरीके हैं, या तो इसको डिफरेंशिएट कर दो डी क्यू बाई डी टी, या यहां से करंट आ रहा है वी माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर, समझे? दोनों मेथड से किसी से भी निकाल लो तो करंट की वैल्यू आएगी वी बाय आर ई रेस टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसको डिफरेंशिएट कर दो क्या आ जाएगा फटाफट, इसका डिफरेंशिएशन वन, इसका डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन अपॉन आर सी से मल्टीप्लाई करोगे तो सी कट जाएगा और वी बाई आर आएगा। उस इक्वेशन को गौर से देखो, टी इज इक्वल टू जीरो पर करंट मैक्सिमम है, बेटा ई रेस टू द पावर जीरो वन होता है तो करंट आएगा वी बाय आर। और यही मैंने आपको थ्योरिटिकली बताया था, शुरू में चार्ज जीरो है तो वी वन जीरो है, वी वन जीरो होने का मतलब वी टू कितना है वी, और करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, तो वी बाय आर। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो वैल्यू कम होगी, करंट कम होगा और इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट जीरो होगा,
लेकिन वैसे मैं आपको बता चुका, जीरो होने में उसे मिली सेकेंड लगता है। ये मिली सेकेंड का पंगा बताता हूं, लफड़ा क्या है, ये मैथ्स है, ये प्योर मैथ्स है। जैसे हम आपको कहते हैं ना, साइन थीटा को थीटा मान लो, कब तक? जब तक आंसर आ जाए। मैं तो 30 डिग्री तक भी साइन थीटा को थीटा मान लेता हूं, मैं ऑप्शन देखता हूं पहले, क्योंकि कभी आपने गौर किया है साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, और साइन थीटा को थीटा मानो ना, 30 डिग्री पाई बाई 6, पाई बाई 6 की वैल्यू निकालो, वेरी क्लोज टू 0.5 ही तो आता है, 3.14 अपॉन 6 करो, बोलो पॉइंट फाइव थ्री के आसपास आएगा, 0.52, 0.53, इट इज वेरी क्लोज टू 0.5 यार। बोलो 30 डिग्री तक मैं तो साइन थीटा को थीटा मान लेता हूं बेटा, ये एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वैल्यू निकाल कर देख लिया। ऑप्शन ध्यान से देखना, ऑप्शन क्लोज हुए तो आप नहीं कर सकते। तो बच्चों ऐसे ही ये चीजें एक्सपीरियंस से आती है। मैं बताता हूं इन्फाइनाइट का लफड़ा क्या है। बच्चों एक प्रैक्टिकल सर्किट लेते हैं, उसमें आर कितना होता होगा, इन इसी सर्किट आर ये सारे रेसिस्टेंस का सम कितना आता होगा, 10 ओम। इंटरनल रेसिस्टेंस 2-4 ओम होता है, कनेक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस भी 2-4 ओम से ज्यादा नहीं होता, आप सब कुछ मिला मिलोकर 10 ओम मान लो, और सी कितना होता है, माइक्रोफेरेट्स, कितना माइक्रोफेरेट, 10 माइक्रोफेरेट मान लेता हूं। आर और सी को मल्टीप्लाई करना, एक तो मैं आपको बता दूं आर और सी की यूनिट को मल्टीप्लाई करोगे ना सेकेंड आएगा, रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों की डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करोगे तो टी बचेगा, बाकी सब, ये टाइम कांस्टेंट कहलाता है सर्किट का, क्या कहलाता है। और वैसे भी समझदारी वाली बात है बेटा, एक्सपोनेंट हमेशा डायमेंशनलेस होता है, तो टी के नीचे आर इंटू सी आ रहा है, इसका मतलब आर इंटू सी की यूनिट टाइम की यूनिट के बराबर होगी, तभी तो वो डायमेंशनलेस बनेगा। सीख रहे हैं ना। चलो अभी तो मैं कुछ और सिखाना चाह रहा था, बीच में ये घुस गया। बच्चों R और C के वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, R है 10, C है 10 माइक्रो, तो 10 टू द पावर माइनस 4, समझ गए। अब आपको जादू दिखाता हूं, और क्या। तो बच्चों उसकी जगह मैं इस इक्वेशन को ले रहा हूं, V बाय R e रेस टू द पावर माइनस t अपॉन 10 टू द पावर माइनस 4। अगर हम टाइम को 1 मिली सेकेंड भी लेते हैं तो ये e की पावर माइनस 10 आएगा, समझे आप। अगर हम टाइम को 1 मिली 10 टू द पावर माइनस 3 तो भी ये वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो v बाय r e रेस टू द पावर माइनस 10, v बाय r 1 अपॉन e रेस टू द पावर 10। आप जानते हैं e कितना होता है, 2.7 की पावर 10 कितना आएगा, हजारों से ज्यादा आएगा। अगर नीचे वाली क्वांटिटी 1000 से ज्यादा आ गई और V बाई R लगभग 1 मान लो, मैं बैटरी को 10 वोल्ट मान लेता हूं, R भी हमारा 10 था तो ये तो 1 हो गया, तो करंट कितना आ रहा है सिर्फ 1 मिली सेकेंड के बाद, 1/1000 यानी कि मिली एम्पियर से भी कम। बेटा पावर 10 बहुत ज्यादा होगा, 10000 से ऊपर पहुंच जाएगा शायद। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ 1 मिली सेकेंड के बाद इस सर्किट में करंट मिली एम्पियर में हो जाएगा, जो ना के बराबर है। इसलिए मैंने बोला था कि थ्योरेटिकली तो ये इनफाइनाइट टाइम के बाद जीरो होता है करंट, लेकिन प्रैक्टिकली ये मिली सेकेंड्स में जीरो हो जाता है, जो मैंने आपको बताया। तो बेटा 1 मिली सेकेंड भी हम इनफाइनाइट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि दूसरी क्वांटिटी उससे भी बहुत छोटी है। तो 1 मिली सेकेंड की जगह अगर मैं 1 सेकेंड लेता तो 1 सेकेंड आर और सी के प्रोडक्ट के सामने 10,000 गुना है। इसलिए बेटा ये हम इनफाइनाइट टाइम, हमारे लिए 1 सेकेंड भी इनफाइनाइट टाइम है। तो मैं आपको फिजिक्स में ये शुरू से बताता हुआ आ रहा हूं कि हमारे अपने यहां पर इनफाइनाइट नहीं होता, रिलेटिव होता है। तो देखना पड़ता है कि दूसरी क्वांटिटी कितनी कम है। अरे यार अगर आप टाइम की बात करोगे 1 नैनो सेकेंड, तो भैया माइक्रो सेकेंड भी उसके सामने 1000 गुना हो गया, वैसे माइक्रो सेकेंड बहुत छोटा होता है। ये सारी बात है, ओवरऑल आपको समझदार बनना पड़ेगा इन सब चीजों को लेकर। बच्चों ये चीज कॉपी करने वाली नहीं थी, तो प्लीज यहां मत जाना, ग्राफ की बारी है। बच्चों इन दोनों का ग्राफ बना रहा हूं, क्यू का और आई का। हाँ, टाइम के साथ क्यू तो बढ़ता है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ,
एक्सपोनेंशियल कर्व तो बेटा दोनों है, आई का जो ग्राफ है वो भी एक्सपोनेंशियल ही है। अगर करंट को बनाऊं टाइम के साथ तो ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल डीके। इनिशियल करंट वी बाई आर आएगा जो कम हो जाएगा धीरे धीरे, नहीं बहुत तेजी से। यहां पर फाइनल चार्ज सीवी आने वाला है और ये सीवी भी बहुत तेजी से आता है, धीरे धीरे नहीं आता, समझ गए। दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल डीके। इसका इक्वेशन ये है और करंट का इक्वेशन वो रहा। देखो बेटा टाइम कांस्टेंट के बारे में लिख दो, R इंटू सी इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। अगर आप R और C के यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे या डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टाइम निकलेगा। और जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, R और C का प्रोडक्ट माइक्रो सेकेंड्स में होता है, इसलिए एक मिली सेकेंड भी उसके सामने इन्फाइनाइट की तरह बिहेव करता है, करेक्ट। अब टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करने की बारी आई है। ये चीज ट्वेल्थ क्लास के लिए काम होती है, काम की होती है, कंपटीशन में ये डेफिनेशंस काम नहीं आती। तो बेटा एक तो मैं टाइम कांस्टेंट की टर्म्स में ये दोनों इक्वेशन को कॉपी कर रहा हूं, क्यू इज इक्वल टू सी वी वन माइनस ई रेस टू द पावर टी बाय टॉ, और करंट आएगा वी बाय आर ई रेस टू द पावर माइनस टी बाय टॉ। अब आराम से इसको डिफाइन करते हैं बच्चों। हम एक ऐसा टाइम लेते हैं जो टाइम कांस्टेंट के बराबर है। भाई हमें टाइम कांस्टेंट क्या होता है अगर ये डिफाइन करना है तो टाइम को टाइम कांस्टेंट के बराबर लेना पड़ेगा। अगर स्मॉल टी टाइम कांस्टेंट के बराबर है तो चार्ज आएगा सी वी वन माइनस वन बाय ई, देख लो ये पावर वन बचेगा माइनस वन वन बाय ई। बेटा ये 2.7 पुट करने पर ये कितना आ रहा है 0.63 आएगा, ये आएगा 0.63 और करंट आएगा V बाय आर वन बाय ई।
1 बाय ई 0.37 वी बाय आर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई टाइम कांस्टेंट कितना टाइम होता है, तो हम सीधा सीधा ये बोल देंगे कि भाई टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जब कैपेसिटर पर चार्ज मैक्सिमम का 63% हो जाता है, या फिर सर्किट में करंट में इनिशियल करंट का 37% रह जाता है। तो वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है, हम बड़े हो गए, बस आप ये कॉपी कर लो, इतना ही बोल रहे हैं। अब लिखो बेटा डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग का मतलब है हम एक चार्ज्ड कैपेसिटर लेते हैं, ये फुली चार्ज्ड है, इस पर कोई भी चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट आप मान लीजिए। और बच्चों एक रेसिस्टर लगा दिया बस इसके साथ, और की प्रेस कर दी, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज से भरा पड़ा था और वो डिस्चार्ज होना चाहता है, उसे तो पाथ नहीं मिल रहा था, आपने वो पाथ दे दिया इसे कनेक्ट करके। तो बच्चों एक करंट फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और ये करंट शुरू शुरू में मैक्सिमम होगा। बच्चों मैं चाहता हूं आप है ना बहुत सारी चीजें फीलिंग से ही लाए, आंसर दें। जैसे अगर मैंने चार्जिंग में समझाऊं ऐसा करंट धीरे धीरे कम क्यों हुआ, तो बच्चों हम जानते हैं जब हमें भूख लगती है बहुत तेज और हम खाना खाने बैठते हैं तो हम बहुत तेज तेज खाना खाते हैं, मैं तो करता हूं, फिर जैसे जैसे पेट भरता है तो हमारी स्पीड कम हो जाती है। सेम हियर, शुरू में कैपेसिटर खाली पेट था, उसे जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया था वो चार्ज होने लगा, शुरू में रेट ऑफ इनटेक ज्यादा था यानी कि करंट ज्यादा था, बाद में कम हो गया, बस सिंपल। अब दूसरी बात, इसको मैं वहां से समझा नहीं सकता, अच्छा नहीं लगेगा। तो जब कोई टैंक भरा होता है, मैं टैंक पूछा जाता हूं, तो रेट ऑफ डिस्चार्ज ज्यादा होता है, आप समझ गए क्या? हम टैंक से समझ लेते हैं, जैसे जैसे पानी कम होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कम हो जाता है। सेम हेयर, शुरू में कैपेसिटर बहुत भरा पड़ा है तो जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होगा, और जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू कम होगी रेट ऑफ डिस्चार्जिंग कम होगा यानी कि करंट कम होगा। तो चार्ज और करंट दोनों ही एक्सपोनेंशियल डिके आएंगे इसमें, और उसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, लेट इंस्टेंटेनियस करंट इज आई एंड चार्ज इज क्यू। बच्चों इसमें किरचॉफ लगा दें, है ना, यहां से यहां जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा क्यू बाई सी, प्लस से माइनस जा रहे हैं, फिर इधर जाएंगे तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं प्लस, आई आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी, उसको उधर ले गए, आई को क्या लिखूंगा बेटा, माइनस क्यों लगाया मैंने, क्यू कम हो रहा है, डीके हो रहा है ना, तो बेटा डी क्यू बाय क्यू माइनस, माइनस को इधर की जगह उधर ही ले लो, वन अपॉन आर सी इंटू आर और सी नीचे ले गए, डी टी को इधर ले गए, क्यू को इधर लाकर, ये थोड़ा इजी है, उससे इजी है ये, वन अपॉन क्यू का इंटीग्रेशन एल एन क्यू माइनस टी अपॉन
बेटा लॉग में लिमिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इनिशियल चार्ज कितना था क्यू नोट, सॉरी मैंने, और इंस्टेंटेनियस क्यू था, इक्वेशन निकालना है ना. तो एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू नोट को एल एन क्यू बाई क्यू नोट लिख दू और एंटी लॉग लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू आएगा क्यू नोट ई रेस टू द पावर माइनस टी बाई आर सी. दिस इज एक्सपोनेंशियल डीके. और बच्चों आई निकाल लो माइनस डी क्यू बाय डी टी से, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पर क्यू नोट बाय आर सी आएगा इनिशियल करंट ई रेस टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी. बेटा मैथमेटिक्स थी इसलिए थोड़ा सा फटाफट लिख दिया मैंने, इतना सा काम आप कर लेना. एंड फाइनली अगर हम दोनों के ग्राफ बनाए तो दोनों के ग्राफ देखने में एक जैसे आएंगे. चार्ज टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल डिके होगा और करंट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल डिके होगा. करंट की इनिशियल वैल्यू क्यू नोट बाय आर सी होगी, चार्ज की इनिशियल वैल्यू क्यू नोट है. और टाइम कांस्टेंट अगर हम डिफाइन करें डिस्चार्जिंग में तो वन टाइम कांस्टेंट वो टाइम होगा जब चार्ज और करंट दोनों इनिशियल के 37% रह जाएंगे. दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, मैंने कहा ना वो ट्वेल्थ के लिए है काम की चीजें, आपको इक्वेशन पर ध्यान देना, इक्वेशन याद कर लेना. जो क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं देखो, ये दो कैपेसिटर है सीरीज में लगे हैं, नीचे दो रेसिस्टेंस है वो सीरीज में लगे हैं, एक बैटरी लगा दी, ये 20 माइक्रोफेरेड और ये 30 माइक्रोफेरेड है, ये 10 वोल्ट की बैटरी ले लो और ये 30 ओम का और ये 20 ओम का रेसिस्टेंस है,
जो अगर आपको कुछ भी नहीं दिया जाए टाइम कि किस टाइम पर चार्ज निकालना है, तो आप इनफाइनाइट टाइम ही लोगे। इनफाइनाइट का मतलब जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा करंट। तो बच्चों एट द एंड क्या होगा, कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएंगे लेकिन करंट जीरो नहीं होगा, बैटरी करंट देगी ड्यू टू रेसिस्टेंस। जब ये फुली चार्ज हो जाएंगे तो इस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि कैपेसिटर करंट को रोकता है, लेकिन करंट नीचे से जाएगा तो ये लूप बनेगा, करेक्ट। बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक हुई मुझसे, मतलब मिस्टेक नहीं है लेकिन क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं इन दोनों को 10 ओम 10 20 20 करके यहां 10 ओम लगा रहा हूं, वरना मैं जो देना चाह रहा हूं वो टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। बच्चों मैंने अभी अभी जो बताया कि करंट यहां जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इसका ईएमएफ नहीं बल्कि टर्मिनल वोल्टेज होगा टीपीडी, करंट इलेक्ट्रिसिटी को मत भूलना। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखो बेटा करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट की वैल्यू होगी टोटल ईएमएफ, और इसमें टोटल रेसिस्टेंस 50 ओम है, 0.2 एम्पियर। टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि इस एंड और इस एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि 10 ओम पर ड्रॉप होगा, तो ई माइनस आई आर 8 वोल्ट होगा, कितना? तो बेटा इन दोनों पर 8 वोल्ट ड्रॉप होगा मिलाकर। या तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, 20 और 30 का इक्विवेलेंट 12 है, तो और इन दोनों पर टोटल पोटेंशियल 8 आ रहा है, 12 8 जा तो दोनों पर 96 माइक्रो कूलम चार्ज हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में है ना, तो 96 माइक्रो कूलम इधर आएगा, 96 इधर आएगा। और अगर आप इक्विवेलेंट से नहीं करना चाहते तो मैंने जो हमेशा कराया है V1 by V2 C2 by C1 3 by 2 होगा, 8 वोल्ट को 3 by 2 में ब्रेक करके Q is equals to CV लगा देना, सेम आंसर आएगा। इसे लिखना है तो फटाफट लिखो, फिर इसमें चेंज कर रहा हूं मैं, या मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूं, आप लिखते रहो। मैं दूसरा डायग्राम इसलिए बना रहा हूं, मैं वैल्यू चेंज करूंगा थोड़ी। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन सेकेंड डायग्राम।
देखो बेटा, ये बात ध्यान रखिए, करंट अभी भी ऊपर वाली ब्रांच में नहीं जाएगा। अगर करंट ऊपर वाली ब्रांच में नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, तो ये करंट इस लूप में सर्कुलेट होगा, तो उस करंट की वैल्यू होगी टोटल ईएमएफ, और ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे 100.1। मेरा बच्चा 50 ओम से 0.1 करंट जा रहा है, तो इस पर 5 वोल्ट ड्रॉप होगा। 30 ओम से 0.1 जा रहा है, तो इस पर 3 वोल्ट ड्रॉप होगा। ये ब्रांच इस ब्रांच के पैरेलल है, यानी कि ये कैपेसिटर और 50 ओम। मेरा बच्चा ये दोनों एक्स है, तो ये दोनों वाई होंगे ना, तो ये 5 वोल्ट है, तो इस पर भी 5 वोल्ट होगा। क्यू इज इक्वल टू सी वी, 20 × 5, तो इस पर 100 माइक्रो कूलाम आएगा। इस पर 3 वोल्ट है, तो इस पर 3 होगा, 33 जा। मेरा बच्चा अब ये मत बोलना सर इन दोनों पर चार्ज इक्वल क्यों नहीं आया, क्योंकि ये दोनों अब सीरीज में नहीं है। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। डायग्राम एक बार केयरफुली देखिए, फिर कैलकुलेट कीजिए। आप बस ये समझ लो, जिस ब्रांच में कैपेसिटर कनेक्ट हो गया वहां से करंट फ्लो नहीं होगा, यहां से करंट जाएगा ऐसे, फिर इधर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर उधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे जाकर वापस आएगा। तो 10, 20, 30, 40 सारे सीरीज में हो गए, तो सीरीज में हो गए तो करंट आएगा 10 वोल्ट ईएमएफ। सम कितना आ रहा है? पक्का 100 आ रहा है? 0.1 एम्पियर। बच्चों ये पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा घुमाया है, प्लीज अब आप देखना। चलो मैं इसको एक्स मान लेता हूं दोनों को, ये वाई मान लेता हूं। बच्चों करंट जा रहा है 0.1,
अगर ये x है, इसको y भी लिखने की जरूरत क्या है, तो 10 ओम पर 0.1 एम्पियर करंट है, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ये x माइनस 1 होगा, फिर करंट ऊपर जा रहा है, 20 ओम पर कितना ड्रॉप होगा, 2, तो ये x माइनस, तो बेटा इस पर पोटेंशियल ड्रॉप इन दोनों का डिफरेंस 3 वोल्ट आ गया, 33 जा, एक आंसर तो ये आ गया, ऐसे उधर आ जाओ आगे, 30 ओम से 0.1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो 3 वोल्ट और कम होगा, x माइनस 3 में से 3 कम करोगे x माइनस 6, ये भी x माइनस 6, तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 5 वोल्ट, तो इस पर 5 वोल्ट ड्रॉप है, 25 जा 100 माइक्रो कूलाम, ये दूसरा आंसर आ गया। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज, डायग्राम बना लीजिए, नेक्स्ट, हाँ बेटा मेरा क्वेश्चन है इसमें, नहीं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, केयरफुली सुने, मैंने की प्रेस की, बच्चों ये अभी तक मैं आपसे जो चार्ज वगैरह पूछ रहा था वो इन्फाइनाइट टाइम के बाद था, अब मैं चार्जिंग पर आ रहा हूं, तो मैं जैसे ही की प्रेस करूंगा एमीटर एक रीडिंग देगा, लेकिन शुरू में करंट ये भी लेगा और वो भी लेगा, टी इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं अब मैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ऊपर वाली ब्रांच से पास होने वाला करंट कम हो जाएगा, तो ये भी कम होगा। तो बच्चों एक तो आपको इसको की प्रेस करने के तुरंत बाद एमीटर की रीडिंग बतानी है, और फिर इनफाइनाइट टाइम पर एमीटर की रीडिंग बतानी है। कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग ऑफ एमीटर आफ्टर प्रेसिंग द की, कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग ऑफ एमीटर आफ्टर प्रेसिंग द की, बेटा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझना पड़ेगा। देखो मेरा बच्चा,
जैसे ही करंट स्टार्ट होता है कैपेसिटर पूरा खाली है, इस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ड्रॉप नहीं है, तो हम मान लेते हैं ये एब्सेंट है। तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे शुरू शुरू में, तो इन दोनों का पैरेलल रेसिस्टेंस 20 आएगा और ये पूरा 20 इस 20 के साथ सीरीज में है, तो करंट की इनिशियल वैल्यू आएगी 20 प्लस 20 1/4 एम्पियर। लेकिन मैंने आपसे कहा धीरे धीरे ऊपर वाली ब्रांच में करंट कम होगा क्योंकि इस पर पोटेंशियल बढ़ेगा, और फाइनली जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो इस ब्रांच से कोई करंट पास, तो ये रेसिस्टेंस बेकार। अब ये दोनों सीरीज में आ गए 30 और 20, तो रेसिस्टेंस 50 हो गया और करंट की फाइनल वैल्यू 10/50 यानी कि 1/5, तो इनिशियल करंट 0.25 है और फाइनल करंट 0.2, 0.25 से 0.2 आने में वही मुश्किल से मिली सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन इतनी सी देर में आपको एमीटर में एक डिफरेंस दिखाई देगा। बच्चों इस क्वेश्चन में, इसी डायग्राम में एक और क्वेश्चन है मेरा, टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे इस सर्किट का, इतना आसान नहीं है। कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट। हमने जब आपको चार्जिंग पढ़ाया था तो उसमें जो रेसिस्टेंस लिया था ये वो रेसिस्टेंस था जो कैपेसिटेंस के कैपेसिटर के साथ सीरीज में लगा था। यहां पर प्रॉब्लम है, पहली बात हम लोग टाइम कांस्टेंट निकाल रहे हैं यानी कि ड्यूरिंग चार्जिंग हम बात कर रहे हैं, नॉट इनफाइनाइट टाइम। तो ड्यूरिंग चार्जिंग तो ये दोनों रेसिस्टेंस काम आ रहे हैं, इसमें भी करंट जा रहा है और इसमें भी करंट जा रहा है। तो बच्चों इसका सही मेथड जो है, डिटेल जो सॉल्विंग मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, वो बहुत लेंदी है, डिफिकल्ट भी है। हम लोग इसमें करंट आई मानेंगे और आई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंटीग्रेट करके निकालेंगे, फिर उसे कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, आई इज इक्वल टू वी बाई आर ई रेस टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, तब उससे कंपेयर करने पर टाइम कॉन्स्टेंट की वैल्यू आएगी। लेकिन हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, आई एम कॉलिंग दिस शॉर्ट ट्रिक, मैं बहुत कम बोलता हूं क्योंकि इसको रियल में सॉल्व करना बहुत लेंदी हो सकता है आप लोगों के लिए, और वो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताई भी थी कि इसको मैं आगे फ्यूचर में यूज करूंगा वो चीज, बल्कि मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में काम में नहीं ली जो अब काम आएगी। इन दोनों ब्रांचेस को
एक सिंगल ब्रांच से रिप्लेस कर दो, इक्विवेलेंट सेल। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां तो सेल ही एक है, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? करना पड़ेगा, तभी तो इसे शॉर्ट ट्रिक बोल रहा है। इस शॉर्ट ट्रिक में भी एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिए बच्चों, एक नहीं दो बैटरी है, ये लो 0 वोल्ट। अब आप E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 को यूज करें तो ये आएगा 0 × 20 प्लस 30 × 10 300 अपॉन R1 प्लस R2 50 यानी कि 6 वोल्ट। और स्मॉल R आएगा R1 × R2 अपॉन R1 प्लस R2 12 ओम। इसका मतलब हम इस सर्किट को ऐसे बना सकते हैं, ये 20 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर और 60 ओम का एक रेसिस्टेंस, नीचे वाली दोनों ब्रांचेस को हमने एक सिंगल ब्रांच से रिप्लेस कर दिया। उस सिंगल ब्रांच में जो बैटरी लगेगी उसका ईएमएफ 6 वोल्ट आएगा और उसका रेसिस्टेंस 12 ओम। बच्चों नाउ यू कैन सी ये दोनों सीरीज में आ गए, तो टोटल रेसिस्टेंस 72, कैपेसिटेंस तो ये आएगा 1440 माइक्रो सेकेंड। बेटा इसमें माइक्रो लगा था, 1.44 मिली सेकेंड्स। तो बच्चों इसका डिटेल मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो ये हमने एक शॉर्ट ट्रिक टाइप निकाली हुई है। अब इसके बाद बस एक डिस्कशन और है, वर्क डन बाय बैटरी एंड एनर्जी लॉस। एक लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं हम, वर्क डन बाय बैटरी एंड एनर्जी लॉस। पहले जो मैं एक्सप्लेन करूं उसे ध्यान से देखो, एक कैपेसिटर है, इसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया वी वोल्ट की। बच्चों हमने ना चैप्टर के बिगनिंग में कभी आर नहीं लिया, वो उस समय हमें हमेशा स्टेडी स्टेट कंडीशन में ही डिस्कशन करना होता था और एनर्जी की बात हमने कभी की भी नहीं, अब कर रहे हैं। जब ये बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा तो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। बैटरी वर्क क्यों करता है? अब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाइए, याद कीजिए जब मैंने बैटरी पढ़ाया था, वर्किंग ऑफ ए सेल, सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। तो बच्चों बैटरी करती क्या है? पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव, देखो करंट ऐसे जाता है ऐसे, तो करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, नेचुरल फ्लो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, तो यहां नेगेटिव से
पॉजिटिव ले जाने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ता है, ये वर्क उसकी केमिकल रिएक्शन से होता है, मैकेनिकल वर्क नहीं है। तो बच्चों बैटरी कितना वर्क करेगी, वर्क डन बाय बैटरी हमेशा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला है ये, वर्क डन बाय बैटरी जितना चार्ज बैटरी ने शिफ्ट किया माइनस से प्लस इनटू उसका ईएमएफ। याद कीजिए ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पोटेंशियल डिफरेंस हम किसको बोल रहे हैं, उसके ईएमएफ को। अब बैटरी ने जो वर्क किया वो दो जगह गया, कुछ तो जाकर कैपेसिटर में स्टोर हो गया इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और बाकी ये रेसिस्टेंस पर लॉस हो गया। अब हमें यह निकालना है बैटरी ने कितना वर्क किया, उसमें से कितना स्टोर हुआ और कितना लॉस हुआ। मुझे बताओ इसको पूरा फुल चार्ज करने में बैटरी को कितना चार्ज देना पड़ेगा, सीवी। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, सीवी, और बैटरी का ईएमएफ भी वी है। तो बच्चों एक कैपेसिटर को जीरो से फुली चार्ज करने में बैटरी को सीवी स्क्वायर एनर्जी वर्क करना पड़ता है। इसमें से कैपेसिटर में कितनी गई, भाई कैपेसिटर में पहले से तो कुछ था नहीं और अब हाफ सीवी स्क्वायर है, तो बच्चों इसका मतलब बाकी लॉस हुआ। वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाफ सीवी स्क्वायर, आधा लॉस हो गया आधा स्टोर हो गया। प्लीज ये एक स्टैंडर्ड केस है समझाने के लिए जिसमें आधा आधा होता है। मैं कुछ भी चेंज कर दूं, यानी कि हो सकता है मैं कैपेसिटर को पहले से थोड़ा चार्ज करके लगाता तो फिर वो आधा आधा, या कैपेसिटर को मैं डिस्चार्ज करता, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। आपको सिर्फ फंडामेंटल पर ध्यान देना है। फंडामेंटल क्या है, जब भी हम किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी की हेल्प से चार्ज करते हैं तो बैटरी को वर्क करना पड़ता है, वो वर्क हम इससे निकालेंगे और इस वर्क में से कुछ पार्ट बैटरी में स्टोर होता है और बाकी लॉस हो जाता है। स्पेशल केस है अगर कैपेसिटर शुरू में डिस्चार्ज है, बिल्कुल खाली है और फिर उसे किसी बैटरी से चार्ज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में 50% स्टोर होता है और 50% लॉस। जब किसी क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दे तो आप इसे यूज कर लेना, वरना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है। वो मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, एक बार इसे कॉपी कर लो, छोटा सा टॉपिक है बस ये। पता है इस वाले डिस्कशन में वो रेसिस्टेंस शो करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेसिस्टेंस होता है, शो करना जरूरी नहीं है। बच्चों क्वेश्चन ये है, एक कैपेसिटर है मेरे पास 10 माइक्रोफेरेड का, उसे मैंने 2 वोल्ट से चार्ज किया, पहले 2 वोल्ट से चार्ज किया, टर्मिनल प्लस माइनस दिख रहे हैं, फिर इसे 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। अभी जब तक मैं की प्रेस नहीं करूंगा कुछ भी नहीं होगा, चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। तो बच्चों की प्रेस करने के बाद स्टेबल कंडीशन आने तक एनर्जी लॉस बताइए। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, 10 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है जिसे 2 वोल्ट से चार्ज किया और डायग्राम के अकॉर्डिंग उसे 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। जैसे ही मैं की प्रेस करूंगा चार्ज फ्लो करेगा और एनर्जी लॉस होगा। कैलकुलेट एनर्जी लॉस जब तक ये पूरा चार्ज नहीं हो जाता।
अभी मैंने जिस मेथड से थ्योरी बताई वो लगाना, ये हाफ हाफ 50-50 मत लगाना, वो स्पेशल केस था। चलिए मैं बताता हूं बच्चों, कैपेसिटर अगर शुरू में चार्ज है, इसमें कुछ एनर्जी पहले से होगी, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, वी कितना था 2 वोल्ट, 20 माइक्रो जूल, कितना बेटा माइक्रो मत बोलना, माइक्रो इधर था तो उधर भी रहेगा, इतनी एनर्जी तो ये पहले से लेकर बैठा था बेटा। इस पर 20 माइक्रो कूलम तो पहले से चार्ज है और पांच, फाइनली इसे 5 वोल्ट तक पहुंचना है, तो 50 माइक्रो कूलम इस पर फाइनल चार्ज होगा, तो बैटरी ने सिर्फ 30 माइक्रो कूलम दिया है, वर्क डन बाय बैटरी क्यू इंटू डेल्टा वी, कितना माइक्रो कूलम 30, और बैटरी का ईएमएफ कितना है 5, बैटरी के ईएमएफ 5 है बेटा, तो इसका मतलब बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन है, ढंग से समझो, बैटरी को 30 माइक्रो कूलम चार्ज और देना पड़ा, 30 × 5 150 माइक्रो जूल बैटरी को वर्क करना पड़ा, अब सारा जाकर स्टोर नहीं हुआ, यू फाइनल निकालो, ये बाकी सारी चीजें भूल जाओ, ये फार्मूले नहीं है आपसी वी स्क्वायर, वो ऊपर जो मैंने बताया बेटा, फाइनल एनर्जी होगी हाफ सी, तो 10 रहेगा लेकिन फाइनल वोल्टेज 5 हो गया, कितना आया 125। एक मिनट, डेल्टा यू, अरे बाबा इसने 125 लिया नहीं, इसके बाद 20 पहले से था तो लिया कितना है लॉस, बैटरी का जितना वर्क था उसमें से 105 स्टोर कर दिया, तो लॉस केवल, ये आंसर है मेरे क्वेश्चन का, 45 माइक्रो जूल। क्या बेटा फिर वही हट रहे हो, सीवी स्क्वायर वो मैंने जो एक्सप्लेन किया उसका एक वैल्यू है, जरूरी थोड़ी ना है कि वो सीवी चार्ज दे, आप रटते क्यों हैं, आप बिल्कुल बेसिक पर जाइए, ये लाइन है बेसिक, ये नहीं है, जैसे मैंने क्योंकि वैल्यू पुट किए वो एक क्वेश्चन बन गया, दिस इज नॉट थ्योरी, थ्योरी ये है बस, आपको ये समझना, ये स्टैंडर्ड है, सीवी स्क्वायर नहीं करती बैटरी वर्क बाबा, वो तब था जब इनिशियली कैपेसिटर जीरो चार्ज था बाबा, ऐसे नहीं करो, खुद मैंने ये चीज एक्सप्लेन की है, आप बिल्कुल बेसिक से चलो, तभी तो ये क्वेश्चन कराता हूं, वरना तो आप सारे गलत कराओगे। बैटरी को चार्ज कितना देना पड़ा, 50 नहीं दिया, बैटरी को 30 देना पड़ा, तो उसका वर्क डन 150 आएगा, किसी का आया 45, देखो ये डिफरेंस है, पूछो। वर्क डन बाय बैटरी मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन प्लीज इसको दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो, अगर ये दिमाग में रखा और मेरे सामने किसी ने आकर बोला डांट खाएगा वो, ये दिमाग से निकाल दो बस ये स्टेप, इसलिए मन नहीं करता मेरे को है ना पूरा समझाने का, आप लोग हमेशा इजी पाथ इतना दिमाग में घुसा लेते हैं कि बस हर जगह वो यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं रटना, हर जगह रटते हैं आप, हर जगह आपको सिर्फ क्या करना है, वर्क डन बाय बैटरी निकालना है, वर्क डन बाय बैटरी होता है बैटरी ने जितना चार्ज दिया, जितना चार्ज उसके थ्रू फ्लो हुआ इनटू उसका ईएमएफ, कैपेसिटर के पास 20 माइक्रो कूलम पहले से था और फाइनली 5 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा, तो इस पर फाइनल चार्ज कितना होगा 50 माइक्रो कूलम, आप 20 रुपए के 50 रुपए कर दो तो तुमने तो 30 दिए ना, अब मुझे ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ता है, बोलो
ये कोई लेवल है। तो बच्चों बैटरी को 30 माइक्रो कूलाम देना पड़ा, उसमें से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसका 30 इसने कहां दिया, इसको 30 देने के लिए इसको यहां से यहां 30 लाना पड़ा। अरे ये डिफरेंस तो 5 ही है ना, इसलिए मल्टीप्लाई 5 से करूंगा, 2 से नहीं करूंगा। तो ये कितना आ गया, 150। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 150 का आधा आधा कर देते हैं, 75 75। उससे अच्छा तो फिजिक्स ही ना पढ़े, इतना ही बेकार काम करना है। अब आप ये देखो, इसने जो 150 दिया उसमें से कैपेसिटर ने कितना लिया, कैपेसिटर के पास पहले से इतनी एनर्जी थी, फाइनली इतनी एनर्जी है, तो कैपेसिटर ने कितना एक्स्ट्रा लिया, 105। अब 150 में से 125 तो 105 तो कैपेसिटर ने ले लिया, तो बाकी जो बचा वही तो लॉस होगा, 45। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कैपेसिटर है और ये बैटरी है, और ये 5 वोल्ट से ऑलरेडी, मतलब 5 वोल्ट चार्ज हो गया, ये 10 माइक्रो फैरेड इसका कैपेसिटेंस है। आपको जो डायग्राम दिख रहा है इस पोजीशन में अभी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। अब मैंने इसके दोनों टर्मिनल्स को रिवर्स कर दिया, प्लस इधर माइनस इधर, क्या होगा, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज होकर दोबारा चार्ज होगा, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज होकर दोबारा चार्ज होगा, और इस चक्कर में करंट फ्लो करेगा, एनर्जी लॉस होगा। बताओ कितना एनर्जी लॉस होगा, देखो बेटा इस प्लेट के पास कितना चार्ज है, 50 माइक्रो कूलाम। एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं जो फाइनल सिचुएशन में बनेगा, इस पर कितना चार्ज है, -50, और फाइनली इस पर -50 माइक्रो कूलाम है, और इस पर फाइनल +50। बेटा इसके टर्मिनल उल्टा करने के बाद इस प्लेट पर -50 से अगर +50 हो गया तो कितना डिफरेंस है इन दोनों, -50 को +50 करना है तो मुझे कितना देना पड़ेगा, यानी कि इस बैटरी के थ्रू 100 माइक्रो कूलाम चार्ज फ्लो किया, तो बैटरी का वर्क डन हो गया, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी इनटू इट्स ईएमएफ 500 माइक्रो जूल, करेक्ट, और ये सारा का सारा लॉस हो गया क्योंकि कैपेसिटर ने कोई एनर्जी नहीं ली, जितनी एनर्जी इसके पास यहां है 1/2 CV² उतनी एनर्जी इसके पास कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को उल्टा करने से, एनर्जी उल्टी नहीं होती, एनर्जी हमेशा सीधी ही रहती है, सीधी से मतलब पॉजिटिव। तो जितनी एनर्जी कैपेसिटर के पास यहां थी कितनी थी बेटा, 1/2 CV² 125, और यहां कितनी है, 125। इसका मतलब कैपेसिटर ने कुछ भी नहीं लिया, तो बैटरी का किया हुआ सारा वर्क डन लॉस हो गया, तो लॉस इज 500 माइक्रो जूल। प्लीज रटना बंद कर दो, मोर देन 50% बच्चों को यही रटा होता है, बैटरी जितना वर्क कर दिया उसमें से आधा, और वो भी नहीं रटा होता,
हाफ सी वी स्क्वायर बस ये रटा होता है, तो प्लीज रटना बिल्कुल नहीं है बच्चों। कैपेसिटर हम लोग यही खत्म कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके okay?